नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला में 5 नवंबर 2020 को कलेक्टर सिंह ने गुरुवार को बबलिया निवासी और नारायणगंज क्षेत्र का विस्तृत दौरा किया। उन्होंने बबलिया झील गांव के अंतर्गत मॉडल स्कूल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूल शिक्षक से मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, उनको दी जाने वाली सुविधाएं और उनकी कक्षा से संबंधित सवाल किए। बच्चों के कोर्स और पढ़ाई संबंधित जरूरी निर्देश दिए। कलेक्टर ने सिमरिया गांव का दौरा करते हुए वहां बनाए गए गौशाला का जायजा लिया। उन्होंने स्व सहायता समूह के माध्यम से संचालित होने वाले इस गौशाला के प्रबंधन के बारे में समूह की दीदियों से भी बात की। ग्रामीणों ने पानी की समस्या के बारे में कलेक्टर महोदय को अवगत कराया। इस पर कलेक्टर ने पीएचई विभाग से पानी उपलब्ध कराने के कार्यों का विवरण लिया और उनकी समस्याओं को निराकरण का आश्वासन दिया। एनआरसी नारायणगंज में भर्ती करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने विजय गांव में स्व सहायता समूह के माध्यम से किए जाने वाले वृक्षारोपण कार्यों का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण किए जाएं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम मीणा मसराम, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग विजेते काम एसडीएम निवास पुष्पेंद्र आकर, जनपद सीओ नारायणगंज वसला शिवहरे सहित कृषि खाद्य शिक्षा और अन्य विभागों के अधिकारियों के उपस्थित रहे।